आपके अपने चैनल लकी डिजिटल पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादर। खबरों की शुरुआत करते हैं अतिक्रमण को लेकर। शहर में चला प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण कर किया साफ। दो अवैध ढाबों सहित कई स्थानों पर की गई कार्रवाई। बादशाही मस्जिद के पास व बाईपास रोड से हटाया गया अतिक्रमण। अतिक्रमण हटाने को लेकर लोगों में नाराजगी। बिना समय दिए की गई कार्रवाई। शहर में लगातार बढ़ते अतिक्रमण पर आखिरकार आज कार्रवाई की गई। शहर के विभिन्न हिस्सों में अतिक्रमण की सूचना लगातार मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। आज प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि शहर के सिविल लाइन रोड पर बादशाही मस्जिद परिसर में बनी दुकानों एवं आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यहाँ स्थित दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर शेड व अन्य निर्माण किए थे, जिन्हें ढा दिया गया। इसके बाद नवागत तहसीलदार सुधीर कुशवाहा की अगुवाई में संयुक्त टीम बाईपास रोड पुराना पन्ना पहुंची, जहां दो ढाबों को गिराया गया। साथ ही आरटीओ कार्यालय के पास किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। तहसीलदार ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों को लगातार नोटिस दिए गए हैं, बावजूद लोग अतिक्रमण नहीं हटा रहे। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि शेष स्थानों पर भी अतिक्रमण नहीं हटा तो जल्दी वहां भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पन्ना शहर में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण देखने को मिलता है। शहर के मुख्य मार्ग बड़ा बाजार से लेकर जुगल किशोर जी मंदिर, कटरा बाजार आदि क्षेत्रों में अत्यधिक अतिक्रमण देखा जाता है। आलम यह है कि शहर के व्यस्त मार्गों में आदि दिन ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। नगरपालिका द्वारा बार बार समझाइश देकर अपनी भूमिका का निर्वहन किया जाता है, लेकिन शहर के अंदर मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण जस का तस है। ऐसे में प्रशासन को इस तरह की प्रभावी कार्रवाई शहर के व्यस्त मार्गों के अतिक्रमण को लेकर भी करनी चाहिए। बाहरी क्षेत्र में हुई आज की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में दहशत देखी गई। वहीं पुराने पन्ना में कई रसूखदार लोगों के अतिक्रमण पर भी आज बुलडोजर चला। इस कार्रवाई में तहसीलदार सुधीर कुशवाहा, थाना प्रभारी कोतवाली अरुण सोनी सहित नगर पालिका व पुलिस बल मौजूद रहा। शहर के बादशाह साईं मस्जिद के पास संचालित दुकानों में हटाए गए अतिक्रमण को लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि उन्हें रात 10 बजे के करीब नोटिस दिया गया और 24 घंटे का भी समय नहीं मिला। कुछ दुकानदारों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के साथ उनका सामान तक अधिकारी ले गए। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने में जल्दबाजी की। नोटिस देने के बाद कम से कम 24 घंटे का समय दिया जाना चाहिए था। स्थानीय लोग इस बात से भी नाराज दिखे कि रात में नोटिस देकर दोपहर में कार्रवाई कर दी गई, जबकि आज शुक्रवार का दिन होने के कारण यह मार्केट नमाज के लिए बंद रहता है। ऐसे में अधिकांश लोगों को अपना जरूरी सामान हटाने तक का मौका नहीं दिया गया। आज विभिन्न जगहों से पूर्व में यानी सूचना आ रही थी कि इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और वहाँ अवैधानिक गतिविधियाँ भी संचालित होने की सूचना TI साहब ने दी थी, तो इनके विरुद्ध एक प्रॉपर पन्ना शहर में और दो ढाबे उनमें कार्रवाई की गई। इस जो ढाबा है सरपंच पति का है, हाँ उनको भी हटाए, दो ढाबे हटाए हैं और ये उनके पति सरपंच पति है ये इसकी तो जानकारी मेरे को नहीं है, मेरा अवैधानिक थे उनको हटा दिया गया। सर शराब भी, क्या शराब भी जब्त की गई एक ढाबे से, कौन से? जी हाँ, वो आप TI साहब से ज़्यादा अच्छे से पूछ सकते हैं, उनको पता है एक ढाबे में शराब मिली है और ये सूचना है उनके पास बहुत समय से थी कि यहाँ से शराब की बिक्री भी होती है। आगे ये अवैधानिक गतिविधियाँ यदि कोई करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी और यही है। मैं सुधीर कुशवाहा, तहसीलदार पन्ना। रेलवे की भूमि पर हो रहे अवैध हीरा उत्खनन पर खनिज विभाग की कार्यवाही। उत्खनन करते पाए जाने पर दो LNT मशीन सहित चालकिया जब्त। जिले में लंबे समय से हीरा अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा है, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनों से जगह जगह अवैध हीरा खदानें संचालित हो रही हैं। रात के अंधेरे में हीरा माफिया JCB एवं LNT मशीनें उतार कर अवैध उत्खनन को अंजाम दे रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब दिन के उजाले में भी धड़ल्ले से अवैध कार्य संचालित किया जाने लगा, जिसकी शिकायत पर आज SDM शेर सिंह मीणा के निर्देश पर खनिज विभाग, राजस्व व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई। करीब 9 बजे टीम रानीपुर पहुंची, जहां पर LNT मशीनों से अवैध उत्खनन हो रहा था। टीम
को देखकर अवैध उत्खननकर्ता मौके से भाग निकले, लेकिन वहां पर मौजूद एलएनटी मशीन को जब्त किया गया। उक्त जगह पर कई घन मीटर चाल भी बरामद की गई, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। पन्ना से 10 किलोमीटर दूर रानीपुर व सरकुआ सीमा पर हुई कार्रवाई से अवैध हीरा माफियाओं सदमे में आ गए हैं। कार्रवाई की जानकारी उत्खननकर्ताओं को पहले से मिल गई थी, जिस कारण वे वहां से भाग निकले, लेकिन एलएनटी मशीन को ले जाने में नाकाम रहे। सूत्रों की माने तो उक्त मशीनें क्षेत्र के रसूखदारों की हैं, जो लंबे समय से अवैध हीरा उत्खनन के कार्य में लिप्त हैं। बताया जाता है कि जिस जगह पर अवैध उत्खनन किया जा रहा था वह रेलवे की भूमि थी, जिसे रेलवे द्वारा अधिग्रहण किया गया था। काम में देरी के चलते इसका फायदा वहां के हीरा माफिया उठाने में लगे हुए हैं और रेलवे की भूमि पर दैत्याकार मशीनों का उपयोग कर बड़ी बड़ी खदानें संचालित कर रहे थे। एसडीएम के निर्देशन पर खनिज विभाग के निरीक्षक देवेंद्र महोबे पुलिस टीम के साथ जैसे ही रानीपुर पहुंचे तो वहां पर भारी मात्रा में अवैध उत्खनन हो रहा था। मौके पर भारी मात्रा में हीरे की जाल जब्त की गई। चाल को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो यहां पर लंबे समय से अवैध हीरा उत्खनन का कार्य चल रहा हो। सुबह 9 बजे की कार्यवाही देर शाम तक चलती रही। जिले में लंबे समय से वन व राजस्व सीमा विवाद चल रहा है। सीमा विवाद का फायदा क्षेत्र के हीरा माफिया उठाने में लगे हुए हैं। जब अवैध उत्खनन की जानकारी प्राप्त होती है तो वन व राजस्व विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपकर कार्यवाही से बच निकलते हैं, लेकिन आज एसडीएम के निर्देश पर रानीपुर में कार्यवाही की गई। अवैध उत्खनन करते हुए 2 LNT मशीन व लाखों की चाल को जब्त कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। अब देखना होगा कि इस कार्यवाही से अवैध हीरा उत्खनन में रोक लग पाती है या नहीं। क्या है, कुछ दिनों से यहाँ पर मशीन चलने की शिकायतें आ रही थी। आज सुबह ही सुबह एसडीएम साहब ने हमें निर्देश दिया कि यहाँ पर रानीपुर सरकोहा साइड में कुछ मशीनें चल रही है, प्रोक्लेन मशीन। तो तहसीलदार महोदय और अपने टीआई साहब और हमारे द्वारा यहाँ पर खनिज विभाग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 LNT मशीन जब्त की गई है, जिन्हें थाने में खड़ी करवा दी गई है। और बाकी जितना भी यहाँ पर हीरे की चाल जितनी भी खोदी गई है उनका भी इवैल्यूएशन कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी में है वो इवैल्यूएशन करके हम बता पाएंगे। कितने लोगों पर नामजद कार्रवाई की है? अभी कार्रवाई चल रही है, जैसे ही नाम सामने आते हैं उसके बाद हम आपको नाम बताते हैं। 4 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? वो अभी 4 लोगों के नाम सामने जो आ रहे हैं उस बारे में अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। अभी कुछ लोग आ रहे हैं बताने के लिए, गवाही देने के लिए, तो जैसे वो जिस हिसाब से गवाही देते हैं उस हिसाब से केस बनाएंगे। लगातार क्षेत्र में अवैध उत्खनन हो रहा है, हीरा माफिया लगातार सक्रिय हैं, तो किस प्रकार से आगे कार्रवाई की जाएगी? जैसे जैसे शिकायतें मिलती जाती है वैसे वैसे शिकायतें होती जाती है। शमशान की भूमि खाली करवाने के लिए सौंपा गया पर नगर में अतिक्रमण अपने पैर लगातार पसारता जा रहा है। मनमाने तरीके से नगर में अतिक्रमण हो रहा है, जिसे रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे। नगर में भू माफियाओं का जाल ऐसा बिछा हुआ है कि नगर की बेशकीमती भूमियों में अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण करके शमशान की भूमि में भी अपनी चपेट में ले लिया है। उक्त शमशान भूमि पर चौबे समाज, रेकवार समाज, यादव समाज के शव जलाए जाते हैं, जिस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इसकी शिकायत तहसीलदार अजयगढ़ SD प्रजापति के सामने उपस्थित होकर एक आवेदन दिया गया। उक्त आवेदन में उल्लेख किया गया कि अजयगढ़ की अराजी खसरा क्रमांक 209/1 का रकबा 0.800 हेक्टेयर भूमि मध्य शमशान मध्य प्रदेश शासन दर्ज है, जिस भूमि पर गणपत पिता बारेलाल मुन्ना पिता बारेलाल ने भवन निर्माण हेतु पिलर गड्ढे खोद दिए हैं एवं भवन निर्माण सामग्री भी मौके पर डाले हुए हैं। उक्त भूमि पर जबरन पशु बल के आधार पर अतिक्रमण कर भूमि को हड़पना चाहते हैं। उक्त भूमि के अलावा समाज के लोगों के लिए शमशान के लिए अन्य कोई दूसरी जगह नहीं है। यह कि उक्त भूमि पर मुरम का अवैध उत्खनन कर आवेदक गणों द्वारा बेची जा रही है। नगर पंचायत अजगर द्वारा उन लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में भी स्वीकृत हो गए हैं, जो कि पूर्णतः गलत है, जिसकी विधिवत जाँच कर स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना निरस्त कर कब्जा हटवाए जाना आवश्यक है। शिकायतकर्ताओं ने वहाँ पर हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने व वहां से अवैध कब्जे को हटाने की मांग की है। शिकायत करने वालों में प्रवर नारायण चौबे, रोहित चौबे, जितेंद्र सिंह यादव, कामता रेखवार, मुन्नीलाल रेखवार, किशोर सिंह, विजय कुमार रेखवार, लक्ष्मण सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। कच्ची महुआ की अवैध शराब बनाते 2 आरोपी गिरफ्तार, प्रकरण हुआ दर्ज। शराब बनाने का उपकरण भी जब्त किया गया। शासन के निर्देशानुसार शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक पन्ना मयंक अवस्थी द्वारा अवैध शराब बनाने वाले, परिवहन करने वाले एवं अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध
चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीकेएस परिहार के निर्देशन एवं एसडीओपी पन्ना आर एस रावत के मार्गदर्शन में एवं थाना के प्रभारी निरीक्षक डी के सिंह के नेतृत्व में थाना देवेंद्रगढ़ के कजराना क्षेत्र में पूर्व से मुखबिर लगाए गए थे, जो कि आज 22/1/2021 को मुखबिर की सूचना पर वार्ड क्रमांक 4 कजराना मोहल्ला देवेंद्रगढ़ में अवैध रूप से भट्टी चढ़ाकर कच्ची महुआ की शराब बनाने जानकारी मुखबिर से प्राप्त होने पर की तस्दीक एवं कार्रवाई हेतु थाना टीम उप निरीक्षक प्रियंका पटेल एवं सहायक उप निरीक्षक मान सिंह के नेतृत्व में गठित कर रवाना किया गया। जो उप निरीक्षक प्रियंका पटेल एवं सहायक उप निरीक्षक मान सिंह द्वारा टीम के साथ वार्ड क्रमांक 4 में रेड कार्रवाई कर दो आरोपियों को पृथक पृथक कुल 75 लीटर कच्ची महुआ की हाथ भट्टी बनी शराब की कीमत कुल 15,000 रुपये तथा शराब बनाने का उपकरण एवं सामान जब्त किया गया है तथा करीब 250 लीटर महुआ का लहान नष्ट किया। जाकर आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया तथा थाना देवनगर में अपराध क्रमांक 29/21 एवं 30/2021 धारा 34A आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया है। उक्त अपराधों के अतिरिक्त थाना देवनगर में दिनांक 1/1/21 और 21/1/21 तक विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 14 प्रकरण आबकारी एक्ट में पंजीबद्ध किए। जाकर कुल 150 लीटर अवैध हाथ भट्टी बनी कच्ची महुआ की शराब को जब्त किया जा चुका है। इस प्रकार आज दिनांक 22/1/21 तक की कार्यवाही में थाना देवीनगर से अवैध शराब की कार्यवाही के अभियान के तहत कुल 16 प्रकरण में 225 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्ती की जा चुकी है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक डी के सिंह, थाना प्रभारी देवीनगर प्रियंका पटेल, मान सिंह, सुरेन सिंह परिहार, बाबूलाल प्रजापति, कमलेश सिंह, श्रीकांत पाठक, आदित्य कुशवाहा, सत्यवीर सिंह, राजू साहू, दिलीप शर्मा, भरत पांडे, दीपक मिश्रा, नीरज बागरी, राजकुमार, पुष्पराज सिंह, महेश सिंह, महिला आर, दिव्या सिंह, सुप्रिया त्रिपाठी की सराहनीय भूमिका रही। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को दिलाई गई नारी सम्मान की शपथ। धर्मपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिद्धपुर में सम्पन्न हुआ भव्य कार्यक्रम। बालक बालिकाओं की रंगारंग प्रस्तुति एवं नाटक ने दर्शकों का मन मोहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार कलेक्टर संजय कुमार मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन व मार्गदर्शन में जिले भर में चलाए जा रहे नारी सम्मान जागरूकता अभियान के तहत लगातार कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। जिले के समस्त थाना परिसरों में शपथ व जागरूकता कार्यक्रम उपरांत जिले के शिक्षण संस्थानों, महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग सेंटर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में 21 जनवरी 2021 को अजयगढ़ तहसील क्षेत्र के थाना धर्मपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंहपुर में अब तक का सबसे अनोखा और भव्य नारी सम्मान कार्यक्रम देखने को मिला है। सास ससुर एक बहू को बेटी समझ लेगा, जिस दिन एक सास ससुर जिस दिन एक बहू अपने उनको सास ससुर को माता पिता समझेगी और उनके सास ससुर उसको बेटी समझ लेंगी, कसम से तुम्हारे घर की कलह दूर हो जाएगी। जो बहुएं यहां आई हैं, अब ये तुम्हारा घर है, यही तुम्हारे माता पिता हैं, और जो सास ससुर हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वही तुम्हारी बेटी है, वो तुम्हारे घर को चिराग को जला रही है। तुम घर में दीपावली को लक्ष्मी की पूजा करते हो, उसी को लक्ष्मी मान है, वो उसको सम्मान दे, उनको स्कूल जाने दे। अगर कोई आदमी, अगर कोई लड़का ऐसा बदतमीजी कर रहा है और यदि कोई देख रहा है
तो वो भी अपराध कर रहा है। तो ऐसा कब जब कभी हो तो प्लीज मेरा निवेदन है कि आप उसका विरोध जरूर करना। महिलाओं का भी कहना है कि आप भी विरोध करना उसका, कि ये गलत है। अभी जिन औरतों ने इस प्रकार के कार्यक्रम मतलब इस अपराध में सहयोग किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मानित किया है। तो एक बार जोरदार तालियां। आसपास ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें नारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे तथा उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। अमानक स्तर के पान मसाला विक्रय करने वाले दुकानदारों को न्यायालय ने सुनाई सजा। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया सेल प्रभारी सह जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अभियोजन अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी 22/9/11 को समय 1 बजे बड़ा बाजार पन्ना स्थित नीलेश जैन ट्रेडर्स के यहाँ दुकान पर पहुँचे। अपना परिचय देते हुए दुकान में खाद्य विक्रय के संबंध में लाइसेंस की मांग की गई तो दुकान संचालक द्वारा नगर पालिका द्वारा जारी लाइसेंस प्रदान किया। जांच उपरांत लाइसेंस वैध पाया, फिर दुकान में रखी खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया गया जिसमें पान मसाला में शंका होने पर उसका नमूना देने को कहा और फिर 240 रुपये देकर 4 पैकेट पान मसाला क्रय किया गया और नमूना लिया गया। पान मसाला खाद्य विश्लेषक के पास परीक्षण हेतु भेजा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य पान मसाला अमानक स्तर पर पाए जाने पर दुकान संचालक को सूचित किया गया और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अभियोजन स्वीकृत उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अतुल राज भालवी पन्ना के न्यायालय में हुआ। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया। माननीय न्यायालय के द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त नीलेश जैन और मिंटू पिता स्वर्गीय जीनन जैन उम्र 24 वर्ष एवं नीतेश कुमार जैन पिता स्वर्गीय जिनेंद्र कुमार जैन दोनों निवासी धाम मोहल्ला पन्ना को धारा 51/59 खाद्य मानक अधिनियम एक्ट 2006 के तहत क्रमांक 15,000, 20,000 कुल एक आरोपी को 50,000 रुपये एवं दूसरे आरोपी को कुल 50,000 रुपये एवं न्यायालय उठने तक के लिए दंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में आरोपी को 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास प्रत्यक्ष से भुगताया जाए। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रोहित गुप्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना द्वारा की गई। कॉलेज में रोजगार प्रदान करने आईसर मोटर करेगी कैंपस सिलेक्शन, देवेंद्रनगर प्राचार्य ने लिखा था कंपनी को पत्र। शासकीय महाविद्यालय देवेंद्रनगर के प्राचार्य प्रोप्राइटर अमिताभ पांडे के प्रयासों द्वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को रोजगार देने के लिए रॉयल एनफील्ड लिमिटेड बुलेट मोटरसाइकिल कंपनी जल्द ही कैंपस सिलेक्शन हेतु अधिकारी भेजने वाली है। कंपनी द्वारा छात्रों का इंटरव्यू लेकर योग्य छात्रों को कंपनी की तरफ से स्वयं हॉस्टल में रखकर 3 माह की निःशुल्क ट्रेनिंग देकर नौकरी देगी। साथ ही जो छात्र ITI किए हुए हैं उन्हें वरीयता देते हुए कार्य के आधार पर वेतन बढ़ाया जाएगा। प्राचार्य सी पांडे ने बताया कि जो छात्र नौकरी करने के इच्छुक हैं उन्हें आगामी सूचना पर अपना बायोडाटा महाविद्यालय में जमा करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो कि निःशुल्क होगा। गौरतलब है कि महाविद्यालय में पहली बार कोई कंपनी आकर कैंपस सिलेक्शन कर रही है। अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले मोबाइल ऐप से रहें सावधान। लीड बैंक प्रबंधक सुभाष बासु द्वारा आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत बैंकों गैर बैंकिंग कंपनियों और अन्य संस्थाएं जो कि संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किए गए हो ऐसी संस्थाओं से ऋण लें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जानकारी दी गई है कि व्यक्तियों छोटे व्यवसायियों के बारे में ऐसी खबरें प्राप्त हो रही हैं कि वे अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप्स की बढ़ती संख्या के कारण त्वरित एवं परेशानी रहे तरीके से ऋण प्राप्त करने के वादे का शिकार हो रहे हैं। इन अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्मों द्वारा अत्यधिक ब्याज उधारकर्ताओं से मांगे जाने के अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क और कठोर वसूली के तरीके को अपनाना उधारकर्ताओं के मोबाइल फ़ोन पर डेटा पहुंचने के लिए करार का दुरुपयोग किए जाने का उल्लेख है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आम जनता को आगाह किया गया है कि वे इस तरह के बेईमान गतिविधियों का शिकार ना हो और ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से
ऋण प्रदान करने वाली कंपनियां फर्म से सावधान रहें। इसके अलावा उपभोक्ताओं को अज्ञात व्यक्तियों, असत्यापित अनाधिकृत ऐप्स के साथ केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियों को कभी भी साझा न करें। ऐसे ऐप्स से संबंधित ऐप्स बैंक खातों की जानकारी को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों का सचेत पोर्टल का उपयोग कर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। ऐसे ऑनलाइन मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ऋण प्रदान करने वाली कंपनी फर्म बेचे संबंधित गैरकानूनी संस्था कंपनी के बारे में जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस को सूचित करें। मुंबई में 6 रोगियों की खोज हेतु ट्रूनॉट मशीन की स्थापना। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एल के तिवारी के प्रयासों से आज दिनांक 22/1 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई में 6 रोगियों की खोज हेतु ट्रूनॉट मशीन की स्थापना की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रीतेश सिंह ठाकुर, जिला 6 अधिकारी डॉक्टर ओम हरि शर्मा, मेडिकल ऑफिसर सुपरवाइजर दिनेश सिंह, विजय तिवारी एवं राजेश आरखरा उपस्थित थे। इस मशीन का सीधा लाभ पवई एवं शाहनगर के टीबी मरीजों को मिलेगा। अब टीबी एवं एमडीआर टीबी जांच के लिए मरीजों को जिला चिकित्सालय तक नहीं आना पड़ेगा। यह मशीन जिला 6 केंद्र में स्थित सीवीनेट के समान की कार्य करेगी। इससे दूरस्थ अंचलों में रह रहे पवई एवं शाहनगर ब्लॉक के मरीजों की एमडीआर टीबी की जांच का फायदा होगा। पवई स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ लैब टेक्नीशियन को मशीन संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया है। 3 बच्चों ने तुरंत समझकर खाई चूहा मार दवा, गंभीर अवस्था में कटनी रेफर। आज शाम 7 बजे रायपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 108 वाहन पर फोन आया कि ग्राम घुमची पटोरी जिला कटनी के 3 बालक दीपेन, धनराज, आनंद हैं। परिजनों द्वारा बताया गया कि घर में चूहा मारने के लिए कागज में पुड़िया बनाकर दवा रखी थी, जैसे छोटे बालक ने चूरन समझकर खा लिया। हालत बिगड़ने पर जिन्हें आनंद फानन में 108 की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुरा लाया गया, जहां एमएल चौधरी द्वारा प्राथमिक उपचार कर दो बालकों के लिए कटनी के लिए रेफर किया गया। आरक्षित वर्गों के छात्र छात्राओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ किया आंदोलन। छात्रावास खोले जाने को लेकर कलेक्ट्रेट में दिया धरना। छात्र छात्राओं और नेताओं ने जमकर की नारेबाजी। प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को तो खोल दिया है, लेकिन छात्रावासों को खोलने की सुध अब तक नहीं ली है। छात्रावासों को खोलने के में लगातार हो रही देरी का सीधा दुष्प्रभाव ग्रामीण अंचल से आने वाले आरक्षित वर्गों के गरीब छात्र छात्राओं की शिक्षा पर पड़ रहा है। स्कूल कॉलेजों को खोलने तथा छात्रावासों को बंद रखने से आरक्षित वर्गों के गरीब विद्यार्थियों के सामने यह समस्या उत्पन्न हो गई है कि वे शिक्षार्थ अपने घर गाँव से दूर बाहर आखिर कहाँ पर रहें। छात्रावासों को खोलने के मसले पर सरकार की उदासीनता ने आरक्षित वर्गों के छात्रों की समस्या को जटिल बना दिया है। इसका दंश झेलने को मजबूर समाज के कमजोर तबके के विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों को खोले जाने के बाद से ही छात्रावासों को भी खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस मांग को सत्तासीन लगातार अनसुना कर रहे हैं। इससे आक्रोशित पन्ना जिले के छात्रावासी छात्र छात्राओं ने आज पन्ना कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, छात्रावासी छात्र छात्राओं कलेक्ट्रेट के बाहर ही धरना पर बैठ गए और कई घंटों तक नारेबाजी करते रहे। बता दें कि छात्रावासी छात्र छात्राओं और नेताओं के द्वारा पूर्व में कई बार छात्रावासों को खोलने के लिए आवेदन दिया था और मांग की थी कि छात्रावासों को खोलने पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए छात्र हित में समाप्त सप्ताह भर के अंदर इस पर निर्णय लिया जाए, क्योंकि यह मांग प्रदेश के हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ी है। इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार के उदासीनता पूर्व रवैये के कारण वर्तमान शैक्षणिक सत्र में आरक्षित वर्गों के छात्र छात्राओं की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि कोरोना की आड़ लेकर छात्रावासों को अब और बंद नहीं रखा जा सकता है। कोरोना काल में जब चुनाव हो सकते हैं, नेताओं की सभाओं में हजारों लाखों लोगों की भीड़ जुट सकती है, बड़े बड़े सरकारी कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं और वह सब कुछ हो सकता है जिसमें सरकार की रुचि है, तो छात्रावास क्यों नहीं खुल सकते। जुल्म की टक्कर में जो जुल्म की टक्कर में कलेक्टर साहब बाहर आओ, कलेक्टर साहब बाहर आओ, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो कलेक्टर साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, कलेक्टर साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, छात्रावास चालू करो, चालू करो, चालू करो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, राज मम्मा होश में आ।
सब कुछ तो खुला है, सिर्फ हॉस्टल में क्यों कोरोना है और कहीं भी क्यों नहीं है? ये कलेक्ट्रेट भी खुला है, मार्केट, बस हर एक जगह खुला है, तो सिर्फ कॉलेज भी तो खुले हैं, सिर्फ हॉस्टल बस क्यों नहीं है? क्या चाह रहे हो सर? अपनी मांग चाह रही है, अपनी हॉस्टल खुलवाना चाह रहे हैं ताकि हम अपनी हॉस्टल में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सकें, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं और हम अगर से ऑनलाइन भी हो रही है पढ़ाई तो ठीक है, गांव में लाइट नहीं रहती, लाइट के अलावा नेटवर्क भी नहीं रहते, और अगर से हम लोग इतने गरीब हैं, अगर से हम रूम में रहना चाहते तो फिर हॉस्टल क्यों लेते हैं? और आप लोगों की, सब लोगों की तो बेतानारी, फिर हमें भी आवाज़ दीजिए। क्या नाम है? सपना कुशवाहा। हमारा पूरे देश ही नहीं बल्कि प्रदेशों में भी सब कुछ लगभग सब कुछ खोल दिया गया है। कोरोना टाइम पे बंद थे मगर कोरोना गाइडलाइन को रखते हुए सब कुछ खोला गया है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर केवल छात्रावास ही है जो छात्रावासों को नहीं खोला गया है। आज से पहले भी दो बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया मगर कोई भी सरकार न प्रदेश के मुखिया के कानों में जू नहीं रहेंगी, तब जा करके आज हमने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और हम जब तक यहाँ रहेंगे तब तक आज हमें छात्रावास खोलने का आदेश या फिर कोई ऐसा आश्वासन लिखित नहीं दे देते तब तक हम लोग जाने वाले नहीं। हम लोगों की मांगे हैं कि आज छात्रावासों को चालू किया जाए, अगर नहीं किया जाएगा तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे या फिर छात्रावासों के ताले तोड़ेंगे। संजय अहरवार। गणतंत्र दिवस पर देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय कुमार मिश्र ने शासन द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवस के अनुक्रम में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। इसके साथ ही मदिरा का परिवहन एवं क्रय विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। व्यापारियों से मारपीट और लूट के बाद अस्पताल छोड़ गए आरोपी पिकअप कार भिड़ंत के बाद व्यापारी चालक व सहायक को बेरहमी से पीटा। जिले में लूट मारपीट का अलग ही मामला सामने आया है जिसमें पहले तो जमकर मारपीट की गई और फिर बुरी तरह लहूलुहान घायल को आरोपी लुटेरे ही अस्पताल तक छोड़कर भाग निकले। सड़क हादसे को लेकर शुरू हुआ विवाद में जमकर पहले मारपीट हुई फिर लूटपाट की गई, लेकिन अत्यधिक घायल लोगों को मौके पर छोड़कर भागने की वजह अस्पताल पहुंचाना आरोपियों ने जरूरी समझा, जिसे लेकर आज दिन भर चर्चा रही। बताया जाता है कि जिले के पन्ना अजयगढ़ मार्ग में पड़ने वाली दुर्गम घाटियों में बीते 20 जनवरी 2021 को लगभग 9 बजे इंडिगो कार पिकअप की मामूली भिड़ंत के बाद पिकअप में सवार व्यापारी चालक एवं सहायक के साथ इंडिगो कार में सवार 3 अज्ञात लोगों द्वारा बेरहमी से मारपीट करने और पैसे व मोबाइल छीन लिए। घायलों ने बताया कि 20 जनवरी को पिकअप वाहन क्रमांक UP71TA1816 में बिंदगी से प्याज व्यापारी शुएब अख्तर उर्फ चांद खान, चालक कौशल रेदास तथा सहायक संजय गौतम के साथ प्याज खरीदने दमोह की ओर जा रहे थे, तभी रात्रि में लगभग 9 बजे अजयगढ़ पन्ना के बीच पड़ने वाली घाटी में इंडिगो वाहन से पिकअप की भिड़ंत हो गई जिससे इंडिगो कार का अगला हिस्सा डैमेज हो गया। घायलों ने आगे बताया कि इस बात पर कार सवार 3 लोगों ने हमारे साथ गाली गलौज करते हुए लात घूसो मारपीट की और उसके बाद पत्थरों से बेरहमी से मारा, जिससे हम तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट में गंभीर रूप से घायल तीनों लोगों को मारपीट करने वाले अज्ञात लोग अपनी गाड़ी में ले जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ पहुँचा कर चले गए। व्यापारी शुएब ने बताया कि वह प्याज खरीदने के लिए 85,000 रुपये लिए थे, मारपीट के कारण पैसे और मोबाइल उन्होंने गाड़ी की सीट के पीछे रख दिए थे जो शायद हमलावर अपने साथ ले गए। घायल फरियादियों के बयान पर अजयगढ़ थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 341, 323, 427, 506, 34 IPC के तहत मामला कायम कर अपराध की विवेचना व आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी गई है। सिमरिया में निकाली गई विशाल किसान रैली, कृषि कानूनों के विरोध में किया व्यापक प्रदर्शन। कृषि कानून को लेकर देश भर में चल रहे प्रदर्शनों के बीच आज जिले के सिमरिया में भी व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव बीएन द्विवेदी के नेतृत्व में सेवालाल पटेल नेता भारतीय किसान यूनियन की अध्यक्षता में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिमरिया के तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों के विरोध में मंडी प्रांगण सिमरिया से तहसील कार्यालय तक ट्रैक्टर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई जिसमें दर्जनों ट्रैक्टरों, चार पहिया वाहन व सैकड़ों मोटरसाइकिल शामिल थे। उसके पूर्व बस स्टैंड में आम सभा आयोजित की गई जिसमें मनीष मिश्रा, दीपक तिवारी, वैभव थापक, स्वतंत्र अवस्थी, भानु प्रताप सिंह, भारत लाल चौरसिया, उमाशंकर चौकरिया आदि ने संबोधित किया। वैश्य महासम्मेलन ने नव वर्ष के कैलेंडर का किया विमोचन, कार्यकारिणी की जिला स्तरीय बैठक संपन्न। वैश्य महासम्मेलन जिला कार्यकारिणी की बैठक 20/1/21 को होटल मोहनराज बिलास पन्ना में आयोजित की गई। बैठक के दौरान नव वर्ष 2021 के कैलेंडर का विमोचन किया गया, साथ ही विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान अतिथि के रूप में रीवा संभागीय अध्यक्ष हरिओम गुप्ता, विशिष्ट अतिथि कैलाश मोदी उपस्थित रहे।
जिलाध्यक्ष मनोज केसरवानी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी, तहसीलों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। सामाजिक गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा के साथ वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के चलते वैश्व महासम्मेलन के सदस्यों द्वारा शासन की गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक सहयोग किया गया। जरूरतमंदों को मदद भी पहुंचाई गई, जिसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया गया। बैठक में नगर अध्यक्ष आशु जैन, युवा अध्यक्ष जितेश गुप्ता, रूपेश मोदी, ब्रजेश अजीत जैन, नीतू सरावगी, सुरेंद्र कुमार तामरकार, गणेश डोगरे, प्रहलाद बहरे, सत्येंद्र सोलिया, प्रमोद जैन, सन्मत जैन, डॉक्टर खैरा, जगदीश जड़िया, राकेश सोनी, प्रवेश गुप्ता सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान संगठन को एकजुट रखते हुए सामाजिक गतिविधियों में योगदान करने के पर जोर दिया गया। 64 वर्षीय वृद्ध बेटू कुशवाहा लापता फरियादी कमलेश कुशवाहा ने देवीनगर थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज की है कि उसके पिता बेटू प्रसाद कुशवाहा, पिता मिर्चैया, उम्र 64 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 8, बस्ती देवीनगर जिला, जिनका 10 वर्षों से मानसिक संतुलन खराब था, जो 28 दिसंबर 2020 की रात्रि 10 बजे से वापस घर नहीं आए। वह उनकी तलाश रिश्तेदारियों में की गई, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। इनका रंग सांवला व कद 5 फीट व बायां हाथ टूटा हुआ है। थाना पुलिस में गुम इंसान क्रमांक 02/21 कायम किया है। गुम इंसान की सूचना देने वालों को उचित नाम दिया जाएगा। अतिरिक्त महाधिवक्ता का पन्ना में हुआ स्वागत। सम्मान में अधिवक्ता संघ ने आयोजित किया कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह परमार का पन्ना आगमन पर अधिवक्ता संघ के तत्वाधान में जोरदार स्वागत किया गया। कभी पन्ना अधिवक्ता संघ के मेंबर रहे धीरेन्द्र सिंह परमार के अतिरिक्त महाधिवक्ता बनने के बाद ये पहली बार पन्ना आए थे। इस मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष देवेंद्र खरे टिक्कू की अगुवाई में अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम अतिरिक्त महाधिवक्ता का सम्मान किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्षता देवेंद्र खरे ने की। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता संघ के सचिव आनंद त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता जेके राव, आरबी पटेल, विनोद तिवारी, किशोर श्रीवास्तव, राजेश सिंह, रामलखन विश्वकर्मा, विनय पूनिया, सुरेश कुमार मिश्रा, अनंत कुमार तिवारी, शांति मिश्रा, चंद्रमदन तिवारी, अरविंद निगम, केके खरे, रजनीश चंद जैन, सुरेंद्र सिंह, सुशील खरे, आर के निगम, दिलीप चौरसिया, जितेंद्र सिंह, राहुल श्रीवास्तव सहित अधिवक्तागण उपस्थित रहे। पन्ना कलेक्टर ने कहा, COVID-19 से बचाव के लिए सावधानियां आवश्यक बरतें। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने पन्ना जिले के निवासियों से अपील करते हुए कहा है कि COVID-19 का वैक्सीन शासन के निर्देशानुसार क्रमशः लगाया जा रहा है। यह टीका शासन द्वारा निर्धारित सभी श्रेणी के व्यक्तियों को जब तक नहीं लग जाता है तब तक सभी को सावधानियां बरतनी होगी। COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिए अभी तक सभी का सहयोग रहा है, आगे भी इसी तरह सभी लोग सावधानी अपनाकर सहयोग प्रदान करें। COVID-19 संक्रमण से बचाव के लिए चेहरे पर मास्क, बार बार हाथों को साबुन से धोना एवं आपस में 6 फुट की दूरी बनाए रखें। अनावश्यक घरों से न निकले। बुजुर्गों एवं बच्चों को घरों से बाहर जाने से रोकें, जिससे COVID-19 को फैलने से प्रभावी ढंग से रोका जा सके। वन मंत्री ने घुमा पार्क जताया हर्ष। पन्ना वन मंत्री विजय शाह आज पन्ना पहुंचे और पन्ना टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने वन अधिकारियों को विभिन्न निर्देश दिए, साथ ही पार्क में हुए बाघ संरक्षण पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक दौर में पन्ना में बाघ खोजने पर इनाम देने की बात होती थी, आज पन्ना में 65 से अधिक बाघ हैं। प्रदेश को टाइगर स्टेट का गौरव मिला है, जिससे पन्ना का भी विशेष योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को लेपर्ड स्टेट का भी दर्जा मिल गया है और आने वाले समय में प्रदेश में गिद्ध के संरक्षण में भी स्थान मिलेगा। उन्होंने बताया कि आगामी योजना में शामिल किया गया है कि पर्यटक पन्ना के पार्क को हॉट एयर बलून से में बैठकर भी देख सकेंगे। जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित। रोजगार के लिए बाहर जाने वाले बच्चों को जिला प्रशासन करेगा मदद। पन्ना कलेक्टर ने कहा, मेले में आए युवक युवतियों कोई ना कोई रोजगार करते हैं। जिले में युवक युवतियों को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करने के लिए यह रोजगार मेले लगातार लगाए जा रहे हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से युवक युवतियों की प्रतिभा को पहचानने, अच्छे रोजगार के लिए प्रेरित करने, रोजगार के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए आयोजित किया गया है। जिन बच्चों में मेले में आई कंपनियों से संबंधित कौशल है, उन्हें मौके पर ही रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। कंपनी द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र देकर अपनी कंपनी में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कलेक्टर ने मेले में आए हुए युवक युवतियों से कहा कि आप लोगों को जहाँ भी रोजगार मिलता है, रोजगार पर
जाएं वहां ठीक ढंग से एक जगह ठहर कर कार्य करें। किसी भी तरह की कठिनाई होने पर जिला प्रशासन को सूचित करें, आपको हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब कहीं काम शुरू करते हैं तो नीचे से ऊपर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जीवन में एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस तरह की एक कंपनी स्वयं डालकर दूसरे लोगों को रोजगार दे सके। वहीं उन्होंने विभिन्न कंपनियों से आए हुए प्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हुए कहा है कि युवक युवतियों को यहाँ से ले जाने के बाद तुरंत रोजगार उपलब्ध कराएं, जिससे इन्हें इस किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर संजय कुमार मिश्र, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष माधवेंद्र सिंह, जिला सहकारी प्रेस के अध्यक्ष ब्रजेंद्र द्वारा माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक उद्योग राहुल दुबे, सहायक संचालक उद्योग कुलदीप चौरा, जिला रोजगार अधिकारी LP लाड़िया, जिला परियोजना अधिकारी जिला पंचायत संजय सिंह, पॉलिटेक्निक प्रचार RK 14 के 7 जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में युवक युवतियां उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम का संचालन प्रमोद अवस्थी द्वारा किया गया। टाइगर रिजर्व भ्रमण पर पहुंचे वन मंत्री को सौंपा ज्ञापन। वन विस्थापितों एवं वन अधिकार पट्टों से वंचित लोगों ने समस्याओं के निराकरण की मांग की। वन मंत्री विजय शाह आज पन्ना टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर थे। इस दौरान विस्थापित ग्रामीणों एवं वन अधिकार से वंचित लोगों ने उनसे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। पन्ना विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस नेता शिवजीत सिंह भैया राजा के नेतृत्व में पन्ना के विकास एवं जनहित विभिन्न मुद्दों पर मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री विजय साहब ने भेंट की। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि वन एवं राजस्व का संयुक्त सीमांकन कराकर बंद पड़ी हीरा एवं पत्थर खदानों को प्रारंभ किया जाए, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, जिससे जंगल कटने से भी बचेगा, यही मात्र रोजगार का साधन है। ज्ञापन में बताया गया कि वन विभाग के अंतर्गत जिन ग्रामों में बिजली नहीं है वहां विद्युतीकरण किया जाए, जो वन भूमि में पूर्व से काबिज है और वनाधिकार पट्टों से वंचित है। इसके साथ साथ विस्थापितों के लिए पट्टे दिए जाए, मंडला से भैरवटेक तक मार्ग का चौड़ीकरण किया जाए, हरसा से धार्मिक स्थल झिन्ना मार्ग में डमरीकरण किया जाए तथा मंडला गेट की जगह पन्ना के विकास हेतु पर्यटकों को कुंजवंश गेट बनवाया जाए। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रामीणजनों ने भी विभिन्न समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिए। उक्त मांगों के संबंध में मंत्री श्री शाह ने 15 दिवस के भीतर समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। शिवजीत सिंह ने बताया कि यदि उक्त समस्याओं का निराकरण 15 जनवरी के पश्चात नहीं हुआ तो ग्रामवासियों की उपस्थिति में आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न ग्रामों के ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जी, आपने दे दिए, अब इनसे रात को बात करें, इनसे नहीं होगा। PM किसान योजना तक का लाभ सीमांकन कर दिया जाए तो सबसे बड़ी समस्या है। क्या है कि जंगल कटने लगा, जब तक इनकी फॉरेस्ट की हीरा खदान या पत्थर खदान खुले जाएंगी तो जब 100% सर इसका सर्वे करवा लीजिए, जंगल काटने से कोई नहीं बचा सकता सर। इसलिए उनका रोजगार का साधन ही सर पत्थर खदान हीरा खदान थी, तब तक कभी भी कोई पता कर लिया सब कोई जंगल नहीं कटता। तो कम कछु आदमी है तो जमीन लो नहीं मिली सर, 8-10 आदमी ऐसे है आज तक जमीन नहीं मिली उनका, भगा दिए रायपुरा के व्यवस्थापन वाले हम लोग जे अपने सन 2003 में नेशनल पार्क द्वारा जो गांव विस्थापित हुए थे पीपर टोला, चनेरी, मुरारी खेरा, सूरजपुरा, इन लोगों को आज तक मालकाना हक नहीं मिला। जहाँ इन लोगों को ज़मीन दी गई आज तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इन लोगों को पट्टी नहीं दिए। और कुछ विस्थापित ऐसे हैं कि जिन्हें बेचारे आज पट्टे लिए घूम रहे हैं आज तक उनको ज़मीन नहीं मिली। वही ज़मीन पोखरा वालों को दे दी गई, वही ज़मीन इन लोगों को दे दी गई। तो इसी संबंध में आज मंत्री जी से हम लोगों ने मिले हैं कि जी आज 15-20 साल से बेचारे भटकते फिर रहे, जो चूँकि जी पन्ना नेशनल पार्क का मुद्दा है, जी आज पन्ना नेशनल पार्क की जगह दूसरी जगह जी लोग बेचारे रह रहे हैं, इनका कोई सुनने वाला नहीं है। आज 15-20 साल बाद ये लोग फिर से आज इकट्ठे हुए हैं, तो इन लोगों का ये कहना है कि हमें जहाँ हमको ज़मीन दी गई वहाँ पे हम लोगों को मालकाना का हक दिया जाए और हम लोगों के मकान दिए जाएँ, जो भी पैकेज के अंतर्गत आता हो वो हम लोगों को मिलना चाहिए।
और दूसरा मुद्दा जो था वन भूमि और राजस्व भूमि का विवाद था, काफी दिनों से पन्ना में चल रहा है, उसकी वजह से रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। वन भूमि या राजस्व भूमि के लिए भी हम लोगों ने आज 5 मुद्दे दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है पन्ना की हीरा खदान, पत्थर खदान। अगर वन भूमि द्वारा और राजस्व भूमि द्वारा इसका संयुक्त सीमांकन कर दिया जाएगा तो कुछ हिस्सा अपने पत्थर खदान के लिए, कुछ हिस्सा हीरा खदान के लिए निकलेगा। ये पन्ना के विकास के लिए, पन्ना के रोजगार के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय है। अगर इस मुद्दे को अगर ढीला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब पन्ना का जंगल पूरा जंगल कट जाएगा। मैंने आदरणीय मंत्री महोदय से भी अनुरोध किया है कि इसका संयुक्त सीमांकन करवा लिया जाए और पता कर लिया जाए कि जब से पत्थर खदान हीरा खदान बंद हुई कितना जंगल कट गया है। अगर जिस चीज़ पे अगर गौर नहीं किया गया तो पन्ना का जंगल का विनाश हो जाएगा। और हमने 5-6 मुद्दे और दिए हैं, जैसे अपने हिनौता जो अपना गेट है हरसा गेट से और झन्ना तक का डामरीकरण किया जाए, और वन विभाग द्वारा जो नेशनल पार्क के अंतर्गत, फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत जो भी ग्राम आते हैं वहाँ पे विद्युतीकरण किया जाए। 4-5 मुद्दे को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इसका जल्दी से जल्दी इसका निराकरण किया जाएगा। इन सभी ग्रामवासियों को अगर मुद्दे पे अगर हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो हम आगे और लड़ाई लड़ेंगे। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आप कि हम रात के वरिष्ठ के अधिकारियों के साथ बैठेंगे, इन मुद्दे पे उन पर विचार करेंगे, फिर लोगों को निर्देश देंगे। जो भी यहाँ का काम होगा तो यहाँ पे, जो भोपाल के स्तर का होगा भोपाल से, जो दिल्ली के स्तर का होगा वो दिल्ली से मैं करवाऊँगा।